दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट केक। फ्रूट केक बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आता है। इस फ्रूट केक की खासियत यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है। मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी इतना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ये केक बनाने के। आई एम श्योर रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी बातें बंद करते हैं और जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये टेस्टी केक बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बॉल ले लिया है। अब मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें डालूंगी। मैं ले रही हूँ 1/4 कप किशमिश, साथ में मैं ले रही हूँ 1/4 कप ब्लैक करंट, नेक्स्ट मैं ले रही हूँ 1/4 कप क्रैनबेरीज, 1/4 कप डेट्स जिनको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर अंजीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ थोड़ी टूटी फ्रूटी ग्रीन कलर की, साथ में लूंगी थोड़ी रेड कलर की टूटी फ्रूटी। आप यहाँ पर अपनी चॉइस के जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए फ्रूट्स में आप डाल सकते हैं। अभी हमें इन सबको सोक करना है। पहले मैं सबको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मैं ले रही हूँ ऑरेंज जूस 1 कप, आप चाहे तो यहाँ पर ग्रेप्स जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तभी सभी फ्रूट्स को हम इस जूस में ऐसे ही भीगने देंगे। करीब 2 से 3 घंटे हम इसको ऐसे ही रेस्ट करने देंगे। तो केक का बैटर बनाने के लिए मैंने एक बॉल ले लिया है। मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ 1 कप दूध। यहाँ पर दूध हमने रूम टेम्परेचर पर लिया है। अब मैं ले रही हूँ 1/4 कप दही। साथ में मैं मिलाऊंगी इसमें 1/2 कप रिफाइंड ऑयल। यहाँ पर ट्राई कीजिए, कोई भी आप फ्लेवरलेस ऑयल ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो हमें अंडे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत अच्छे से तीनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे ताकि दूध में तेल बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसी से हमारा केक एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। देखिए दूध में एकदम से ऑयल बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बूरा। यहाँ मैंने 1 कप बूरा लिया है। यहाँ पर मैं बूरा या देसी खांड को प्रेफर करती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से हम इसको मिला देंगे। जो बूरा या देसी खांड होती है वो थोड़ी हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप किसी भी ब्राउन शुगर या फिर चीनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। चलिए हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिला लेते हैं। तो मैं एक सीव ले लूंगी। यहाँ मेरे पास है 2 कप मैदा, साथ में मैं डालूंगी 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ सॉल्ट। नमक बिल्कुल थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, इसकी वजह से केक खराब नहीं होगा, डोंट वरी। 1 टीस्पून में सिनेमन पाउडर डाल दूंगी, दालचीनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस केक में। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम थोड़ा सा इसमें सीव करके डालेंगे। स्पैचुला की हेल्प से मैं इन सबको मिक्स करूंगी। हम कट एंड फोल्ड मेथड का यूज करेंगे। हमें एकदम स्मूथ एक केक का मिक्स बना लेना है। बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम तभी डालेंगे, पहले हम एक स्मूथ मिक्स बना लें। इस मिक्सचर में लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो हम पेशेंस के साथ आराम आराम से ये काम करेंगे। ये देखिए एकदम स्मूथ टेक्सचर का हमारा ये बेस तैयार हो गया है।
तो चलिए हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिला लेते हैं। मैं डाल रही हूँ थोड़े से अखरोट, थोड़े बारीक कटे हुए बादाम, थोड़े काजू। अब जो हमने ये फ्रूट्स को सोक करके रखा था जूस में, इनको हमें मिलाना है, लेकिन हमें जूस बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ इसमें से हमें फ्रूट्स डालने हैं। बहुत अच्छे से मैं इनको इस तरह से निचोड़ के इनका जूस निकाल के और फिर डालूंगी। ये देखिए जूस का कलर भी चेंज हो गया है। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। वाओ, ये दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है, सो कलरफुल, सो ब्यूटीफुल। तो ये केक का मिक्स हमारा तैयार है, चलिए फटाफट से हम बाकी के स्टेप्स कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास एक केक टिन है, तो मैं इसको अच्छे से ब्रश के साथ ऑयल लगा दूंगी। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, ऐसा करने से केक बिल्कुल भी हमारा चिपकेगा नहीं और बहुत इजीली बाहर आ जाएगा। अब यहाँ मेरे पास है बटर पेपर, जिसको मैंने सर्कल में कट कर लिया है, इसको हम सेट कर देंगे नीचे। और मैं पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर दूंगी। आप यहाँ पे ऑयल या मेल्टेड बटर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जब हमारा केक बनेगा वो एकदम बहुत इजीली बाहर आ जाएगा। तो केक टिन हमारा तैयार है, अब जो हमने अपना बैटर बनाया है उसको हम इसमें पोर कर लेते हैं। वाओ, कितना सिल्की स्मूथ हमारा ये बढ़िया बैटर तैयार हुआ है केक का। वाओ, मिक्सचर को हम थोड़ा सा इवन कर देंगे। यहाँ मेरे पास थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर देती हूँ। अभी इसे हम तीन बार टैप करेंगे ताकि एक्स्ट्रा एयर बबल्स इसमें से बाहर निकल जाएं। तो चलिए हम इसे फटाफट से बेक कर लेते हैं। तो मैंने गैस पर एक बड़ा भगोना गर्म होने के लिए रखा है, अंदर मैं यहाँ पर एक रिंग रख रही हूँ। आप चाहें तो कुकर या कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ढक्कन ढककर मैं इसको 10 मिनट के लिए तेज गर्म होने दूंगी और उसके बाद हम इसमें अपने केक को रखेंगे। तो ये बर्तन हमारा गर्म हो चुका है, बड़ी सावधानी के साथ मैं इसमें केक टिन को रख रही हूँ। मैं इसको 45 टू 50 मिनट्स बेक होने दूंगी। आप चाहें तो इसको अवन में प्रीहीट करके अवन को उसको 180 डिग्रीज पर 35 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हैं। आधा घंटा हो चुका है, चलिए केक को चेक करते हैं। मैं गैस को बंद कर रही हूँ। केक हमारा बनकर तैयार है, बहुत अच्छे से पक चुका है, इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। मैं एक टूथपिक इंसर्ट करके चेक करती हूँ, तो ये बीच का जो कटा हुआ सेक्शन है वहाँ से हम टूथपिक से चेक करेंगे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है केक लोगों का साइडों से पक जाता है, सेंटर से कच्चा रह जाता है। तो हमेशा जो ये बीच का फटा हुआ हिस्सा होता है जो केक ऑटोमेटिकली कटता है, हम टूथपिक को डालेंगे, पूरा अंदर डाल के हमें चेक करना है। ये देखिए बिल्कुल साफ टूथपिक बाहर आई है, इसका मतलब केक हमारा रेडी है। तो अभी हम इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देंगे, अभी बहुत गर्म है, ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे बाहर निकालूंगी, उसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। केक हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो मैं एक नाइफ से पहले साइड्स पर कट लगा लेती हूँ। ऐसा करने से बहुत इजीली ये केक बाहर आ जाएगा। चलिए अब हम इसको डीमोल्ड करते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक बना है। तो मैं इसके जो पीछे की ये प्लेट है इसको भी हटा देती हूँ।
हमने जो ये पेपर लगाया था इस वजह से कितनी इजीली निकल आया है, देखिए पेपर भी एकदम निकल गया हमारा। केक को मैं एक प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ, देखिए कितना बढ़िया हमारा केक बना है, एकदम स्पॉन्जी है, ये देखिए एकदम सॉफ्ट और बढ़िया केक बना है। मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो दोस्तों इतना बढ़िया ये हमारा स्पॉन्जी केक बना है, देखिए हमने जो इसमें फ्रूट्स डाले कितने खूबसूरत लग रहे हैं, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक है। मैंने आपको सारे टिप्स दिए, आप उनका ध्यान रखिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए ऑरम्स किचन।